नमस्कार। ये सप्ताह, ये वीक 21 जून से लेकर के 28 जून तक का ये समय आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे एक बात शेयर जरूर करता हूं कि जो आप राशिफल देखते हैं, कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये राशिफल सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि ये ग्रहों के गोचरों पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक बात निकल के, एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि आपके लिए सप्ताह ग्रहों के जो गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं, कहां पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं। मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, जो भी आपका राशिफल है, जो भी आपका भविष्यफल है, वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। यह वक्त व्यर्थ के विवादों में आपको फंसा सकता है, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है, इस बात का जरा आप ध्यान रखें। हाँ, वाद विवाद की स्थितियां निर्मित होने की वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों या रिश्तेदारों से दूरी भी बढ़ सकती है, ये भी आप जरा ध्यान रखें। वाद विवाद की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। देखिए क्या होता है ना कि वाद विवाद कई बार जरूरी भी है। हमेशा ही वाद विवाद खराब है ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है कि आप उसे कुछ बोलेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, बिल्कुल वाद विवाद करना कई जगहों पर जरूरी है। तो आप अपने विवेक से ये निर्धारण करें कि वाद विवाद कहां पर किया जाए और कहां पर नहीं। कई बार वाद विवाद करके हम अपनों को, अपनों के प्रेम को, अपनों के विश्वास को खोते हैं, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिस भी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उस उद्देश्य में मुझे आपकी पूर्ति यहां पर नजर आ रही है, मतलब सफलता है। जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो रही है उस उद्देश्य में आपकी सफलता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा है, मजबूत है, आर्थिक स्थिति को और बढ़ाने वाला है। तो मेष राशि के लिए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समय कुछ अच्छा कुछ बुरा, यानी अब मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर के आया हुआ है, मिले जुले फल लेकर के आया हुआ है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो फिजूल का डर, फिजूल का भय आपको सता सकता है। चिंता तनाव की स्थितियां इस समय निर्मित हो सकती है, इस बात का जरा आप ध्यान रखें। हालांकि पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है, लेकिन होता है ना कि आप कितने भी आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ आपके साथ अच्छा है, लेकिन फिर भी आप चिंता में हैं, आप तनाव में हैं, तो ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ यहां पर बनती हुई नजर आती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो है इस समय कॉन्फिडेंट रहें, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आपको खल सकती है या नजर आ सकती है, ठीक है, उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से समय जो है वो अच्छा रहेगा और कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में भी सोचेंगे और आप जाएंगे भी। अपनी महंगी चीजें, अमूल्य चीजें, महंगी वस्तुएं, इनका जरूर से ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए, मिथुन राशि के लिए सप्ताह अच्छा है। खासतौर पर पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय आपको लाभ करवाने वाला है, आपको उन्नति दिलवाने वाला है। उन्नति का मतलब मेरा ये कि यदि परिवार में कहीं विवाह किसी का होने वाला है तो विवाह होने के योग बनते हुए नजर आते हैं, या विवाह तय हो जाए, नए रिश्तेदार मिलने के योग बनते हुए नजर आते हैं, परिवार बढ़ने वाला है, या कहीं संतान प्राप्ति के कोई इच्छुक हैं तो उस विषय में मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं, तो उस विषय में भी अच्छा दिखता है। जो नौकरी आप कर रहे हैं वहां पर आपको एप्रिसिएशन मिले, नौकरी में आपको वाहवाही मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आपको आपको सराहा जाएगा, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सराहा जाएगा इस सप्ताह। तो ऑब्वियसली ये बात निश्चित है कि जिस भी कार्य में आप लगे हुए हैं उसमें आपकी सफलता मुझे बनती हुई नजर आती है। एक बात और, आप भूमि, वाहन,
खरीदने के बारे में सोच सकते हैं और खरीदेंगे भी, या फिर इसकी प्लानिंग मजबूती के साथ बना सकते हैं क्या? वाहन के अलावा भी जो भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें होती है उसमें भी आपका इन्वेस्मेंट हो सकता है। मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। नई योजनाओं पर आप चलेंगे, चलना भी चाहिए, नई योजनाएं आप बनाएंगे, इस वक्त बनाना भी चाहिए क्योंकि मुझे आपका लाभ दिखता है, उन्नति दिखती है, सफलता दिखती है। जिस भी उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी उद्देश्य आपका है, उस उद्देश्य में आप आगे बढ़े, मेहनत करें, मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी बनेगा, लेकिन पुराने जो दोस्त हैं या पुराने जो रिश्तेदार हैं, हो सकता है वहां पर वाद विवाद आपका बने, तो उससे जरा बचकर रहने का प्रयास करें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त लाभ ही करवाने वाला है, तो लाभ मिलेगा। कर्क सिंह राशि की बात करते हैं। सहयोग के योग है, किसी न किसी का, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी प्रकार से आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा। एक अच्छी बात मुझे नजर आ रही है। यात्राओं के योग भी है, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली होगी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अचानक से लाभ मिल सकता है। अब वो देखिए, लाभ जरूरी नहीं कि धन का ही हो, लाभ आपकी प्रतिष्ठा का भी हो सकता है, आपकी तारीफों का भी हो सकता है, पारिवारिक किसी प्रकार से लाभ हो सकता है, इज्जत का लाभ हो सकता है, तो किसी प्रकार से अचानक से आपको लाभ मिले ऐसा मुझे दिखता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। ओवरऑल सिंह राशि के लिए भी यही कहना चाहता हूं कि दौर, ये वक्त अच्छा होगा, सफलताकारी होगा। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। तो यदि कोई राजकीय कार्य में आप लगे हुए हैं या फंसे हुए हैं, जैसे कोर्ट केस, लिटिगेशन, या किसी प्रकार से कोई गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, पिताजी की गवर्नमेंट जॉब या किसी और की गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कुछ लोग जो हैं वो लगे हुए रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ कोई अनुकंपा नियुक्ति जिसे कहा जाता है, यदि उसमें किसी प्रकार से जो लोग भी लगे हुए हैं उनको मुझे इस सप्ताह सफलता बनती हुई नजर आती है। सरकारी क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में मुझे सफलता यहाँ पर आपकी दिखती है। जिस भी क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, या फिर आपकी उम्मीदें बंधी हुई हैं, बढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मुझे आपकी सफलता दिखती है। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा जाएगा, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, परिवार के साथ आप इंजॉय भी करेंगे और यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। हालांकि खर्च ज्यादा हो सकता है, पैसा खर्च ज्यादा हो सकता है, इसको जरा कंट्रोल आपको करना चाहिए, अदरवाइज स्थितियां अच्छी हैं। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तो मतभेद, मनभेद, मनमुटाव के योग मुझे यहां पर दिखते हैं, तो जरा इस बात पर कंट्रोल रखें। यदि देखिए, कई बार होता है कि मतभेद जरूरी है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई मतभेद, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो क्या आप मतभेद नहीं करेंगे, क्या आप उनसे वाद विवाद नहीं करेंगे, क्या आपसे उनका मन मुटाव नहीं होगा? बिल्कुल होना भी चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, लेकिन कई बार ये भी होता है कि गलत फहमियों के चलते भी हम अपनों पर, जो हमें, हमसे प्रेम रखते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वाद विवाद और मनमुटाव कर लेते हैं। तो आपको अपने विवेक से ये इस बात का निर्धारण करना है कि कहां वाद विवाद करें, कहां पर ना करें, कहां आपके लिए फायदा है, कहां पर नुकसान है, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। पुरानों से वाद विवाद होकर के नए दोस्त बने, इवन नए रिश्ते बने या फिर प्रेम प्रसंग बने, ऐसा भी मुझे दिखता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत बनती भी नजर आती है, तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो खर्च भाई यहां पर ज्यादा हो सकता है, फिजूल खर्च पर आपको ध्यान देना है। किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, रुक जाए, अभी ना दें, या फिर बहुत जरूरी है तो फिर दान करें। मतलब कहने का ये कि यदि किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो वो पैसा वापस नहीं आने वाला, तो दान कर देते हैं तो ऑब्वियसली मन में ये रहता है कि भाई हमने दे दिया, अब नहीं भी आया तो चलेगा, तो वो वाली स्थिति बनेगी। हाँ, किसी से पैसा उधार लेना भी नहीं है, ये बात का भी जरा ध्यान रखिए, आदान प्रदान करने की जरूरत नहीं है। ये वक्त आपके भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है, हो सकता है भौतिक सुख सुविधाओं में भी आपका खर्च ज्यादा हो जाए, तो इस बात को भी जरा ध्यान रखें। हालांकि जो भी आप कार्य करते हैं, जहां पर भी आप कार्य करते हैं,
वहां पर आपको उन्नति मिले, आपको एप्रिसिएशन मिले, आपको सफलता मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये एक बात मुझे अच्छी बनती हुई नजर आ रही है वृश्चिक राशि के लिए। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, तो इस विषय में कोई दिक्कत नहीं है। वृश्चिक के बाद धनु राशि की बात करते हैं, तो कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के बारे में आप सोचेंगे, हो सकता है आप जाएं भी, या फिर आपका स्थानांतरण हो, या आपको कहीं दूर जाकर के उन्नति मिले। एक्चुअली ये जो कोरोना का दौर चला है और चल रहा है, इसने कई लोगों की जॉब्स, कई लोगों के बिजनेस, कई लोगों की पढ़ाइयां ठप की है। हाँ, तो मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यह बनता है कि हो सकता है आप कई बहुत समय से रुके हुए हों, इंतजार में हो नई अपॉर्चुनिटी मिलने का, तो ये वक्त आपको नई अपॉर्चुनिटी दिलवाएगा। चाहे जॉब स्विच करना चाहते थे, चाहे आप नई जॉब लगना चाहते थे, चाहे अपने बिजनेस को कहीं दूर ले जाना चाहते, तो दूर जाकर के और फिर उन्नति भी मिले, ऐसा भी मुझे दिखता है। दोस्तों का सुख दिखता है, दोस्तों का सहयोग दिखता है, दोस्तों का साथ दिखता है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं और यात्राएं होंगी भी, सफलता देने वाली होंगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चिंता की बात नहीं है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं, तो देखिए एक तनाव रहेगा, फिजूल का तनाव रह सकता है और एक एंजाइटी जैसी स्थिति हो सकती है। आने वाले वक्त को लेकर के एक चिंता आपको सता सकती है, लेकिन मेरा क्या है ना, सीधे सीधे तौर पर यह बनता है कि यह वक्त आपकी जिम्मेदारियों को जरूर बढ़ाएगा। अब देखिए जब जिम्मेदारियां बढ़ती है ना, तो प्रेशर बढ़ता तो तनाव बढ़ता है, निसंदेह बढ़ता है। और कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो तनाव और प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन यह वक्त आपको सफलता दिलवाने वाला है, नई जिम्मेदारियां देने वाला है। तो जिम्मेदारियों को सफलता मिल रही है, इस दृष्टिकोण से लें, आपसे यह कहना चाहूंगा। तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन करने का प्रयास करें, इस बात का जरा ध्यान रखें। मेडिटेशन करने से निसंदेह तनाव कम होता है। यात्राओं के योग है, लंबे वक्त से कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आप कहीं रुके हुए थे एक जगह पर, तो एक जगह से दूसरी जगह पर आप जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। जिस उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो रही हैं, उद्देश्यों में आपको सफलता मिलेगी। धन में वृद्धि के योग है, आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के योग है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करें, विश्वासघात हो सकता है, किसी पर अति विश्वास नहीं करना है आपको, अति विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ आपसे कि चिंता तनाव की स्थितियां भी आपको यहाँ पर सता सकती है, और चिंता तनाव की स्थितियां सताएंगी, प्लस हो सकता है कुछ इंट्यूशंस हो, मतलब कुछ ऐसा बिगड़ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मेरे पास कई लोग कुंडली दिखाते हैं और उन्हें इंट्यूशंस होते हैं, अच्छा इंट्यूशन नहीं कहूँगा, उन्हें उन्हें महज कल्पना होती है कि कुछ बिगड़ने वाला है। तो देखिए कुंडली के आधार पर ही समझ में आ जाता है कि किन्हें इंट्यूशंस सही होता है, किन्हें खराब, खराब क्या, किन्हें कल्पना आती है और किन्हें इंट्यूशंस होता है। इंट्यूशन का मतलब ये कि लिटरली जो भविष्य में होने वाला है उसका अंदाजा हो जाना, उसका प्रेडिक्ट कर देना उस चीज़ को। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, कई सारे लोगों को इस प्रकार के इंट्यूशंस होते हैं और ये बात सच है, लेकिन कुंडली में नजर आ जाता है। और कुछ लोगों की कल्पनाएं नजर आती है कि वो लोग फिजूल में कल्पनाएं करते हैं कि ये बुरा होने वाला है, ये खराब होने वाला है, एक प्रकार के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उस स्थिति में कहीं आप पहुंच सकते हैं, तो उससे आप बचकर रहें। बस किसी दूसरे तीसरे इंसान पर अति विश्वास न करें, यह बात को जरा ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे कोई नुकसान नहीं दिखता है, आर्थिक स्थितियां मुझे आपकी अच्छी मजबूत बनती हुई नजर आती है। कुंभ राशि के बाद मीन राशि के बारे में यदि बात करें, तो यात्राओं के योग यहां पर मुझे बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि वाहन से कष्ट के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप कहीं वाहन चला रहे हैं, कहीं लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खासतौर पर तो यह कहना चाहूंगा कि लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं, तो या तो इस सप्ताह टाल दें, और नहीं टाल सकते हैं तो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, और कोरोना की वजह से वो भी नहीं कर सकते हैं तो किसी ड्राइवर का सहारा लें। और अपने शहर पर भी गाड़ी चलाते हैं तो यातायात नियमों का पालन जरूर से करें, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती हैं। खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, खर्चों पर काबू रखने की आपको जरूरत है, लेकिन आय भी होगी, इनकम भी होगी,
एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर यह नजर आती है कि आप जहाँ नौकरी करें या आपके कोचिंग में या फिर आपके स्कूल में आपके कॉलेज में, ऑब्वियसली अभी ये सब बंद होंगे, लेकिन फिर भी आप वहां पर आपका कोई प्रोजेक्ट किसी प्रकार कोई रिपोर्ट हो जिसकी वजह से आपको सराहना मिले, वाहवाही मिले, आपकी इवन नौकरी में भी आपको वाहवाही मिले, आपके बिजनेस में आपको वाहवाही मिले, तो ऐसा मुझे बनता हुआ जरूर नजर आता है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर दिखी। मैं आपके लिए मीन राशि के लिए समय मिला जुला कहना चाहूंगा, किसी विषय में अच्छा, किसी विषय में थोड़ा सा ध्यान देने वाला, ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा इस बारे में। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। नमस्कार।